हेलो दोस्तों, आज सभी के लिए मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। प्रिय दोस्तों, आप सब कैसे हो? दोस्तों, आज यहाँ आपसे इस वीडियो में नेशनल ओपन NIOS की बात की जाएगी। प्रिय दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि नेशनल ओपन NIOS बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं ली जाती हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया था विद्यार्थियों का। इन्होंने डेट भी अपनी मेंशन कर दी थी और प्रैक्टिकल की जो तिथियाँ थी वो भी दोस्तों इन्होंने अपनी निर्धारित कर दी थी। तो दोस्तों, अब आप सभी को पता है कि भारत देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक कोरोना वायरस का प्रकोप आया हुआ है, जिसको लेकर बहुत से विद्यार्थी, बहुत सी सरकारें, जिनके मन में एक डर सा पैदा हो गया है कि कभी किसी देशवासी को इस कोरोना वायरस से नुकसान ना हो जाए, वह इसकी चपेट में ना जाए, तो इसको लेकर इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। तो दोस्तों, आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक एजुकेशन ऐप पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं ओपी यादव आपके लिए जो नेशनल ओपन NIOS की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे कि NIOS RRC चंडीगढ़ की तरफ से हमें मेल आया है, क्योंकि हमारा रीजनल जो सेंटर है वह चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ की तरफ से हमें मेल आया है कि आपका जो नेशनल ओपन NIOS के एग्ज़ाम थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, उसकी डेट्स जो हैं उसमें चेंजमेंट कर दिया गया है। तो 31 तारीख यानी कि 31 मार्च 2020 तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। दोस्तों, ये जो नोटिस है अमित के द्वारा इसको जारी किया गया है, और इन्होंने इसमें बताया है कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के जो भी MHRD ऑल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल थ्योरी मार्च अप्रैल 2020 के अंदर जो होनी थी उनको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, और 31 मार्च 2020 तक इनको सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ आप देख पाओगे कि 31 मार्च 2020 तक इन्होंने इसको सस्पेंडेड कर दिया है, क्योंकि दोस्तों सस्पेंड करने का सबसे बड़ा कारण आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस को लेकर बहुत से जो विद्यार्थी हैं या फिर बहुत से जो एग्ज़ाम होने थे, जैसे कि आपको पता होगा 10वीं कक्षा हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया। CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया। MD यूनिवर्सिटी रोहतक के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया दोस्तों। और यहाँ जो नेशनल ओपन NIOS के आपके एग्ज़ाम थे, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट होने थे, ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था। प्रैक्टिकल की डेट्स भी इन्होंने निर्धारित कर दी थी कि इस डेट को उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल होगी। बहुत से विद्यार्थियों ने अपनी प्रैक्टिकलें करवा भी दी हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल नहीं करवाई हैं उनको अभी समय और दिया जाएगा दोस्तों। और 31 मार्च तक तो आपके अब कोई प्रैक्टिकल हो नहीं पाएगी। देखते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके लिए कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो उसके बारे में आपको सूचित ज़रूर किया जाएगा। दोस्तों, अप्रैल के महीने में एग्जाम होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नेक्स्ट कक्षाएँ होती हैं यूनिवर्सिटी की होती हैं, जिसको हम UG या PG के कोर्सेज बोल देते हैं दोस्तों, वो मई या जून से स्टार्ट हो जाती हैं। और जब तक ये एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे, तब तक दोस्तों इसका जो कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अभी इसमें कितना समय लगेगा इसके बारे में तो मैं आपको स्पष्ट नोटिफिकेशन इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगा, पर इतना मैं आपसे वादा ज़रूर करता हूँ कि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित ज़रूर करेंगे। आप चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन कोई भी हमारे द्वारा अपडेट की जाती है तो उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, मैं भी आप सभी को यही हिदायत देता हूँ कि कोरोना वायरस से बच के रहें, और जो प्रधानमंत्री ने जो मुहिम चलाई है उस मुहिम में भी अपना योगदान दें। और दोस्तों, एक चीज़ आपको और साथ साथ बताना चाहूँगा
कि ज़रूरत हो तो ही अपने घर से बाहर निकले। जब गवर्नमेंट आपके प्रति इतनी सतर्क है तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये एक ऐसा वायरस है, इससे डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरे हरियाणा वासी और मेरे भारत देश के वासी किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, डट के उसका मुकाबला करते हैं। दोस्तों इसके ऊपर स्टडी चल रही है, हो सकता है बहुत जल्दी इसकी दवा का प्रबंध हो जाए। और कुछ एक हमें वीडियो के माध्यम से ही पता चला है कि जयपुर में SMS हॉस्पिटल की डॉक्टरों की टीम भी लगी हुई है, तो तरह तरह के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ सभी जगह मतलब कि इसके ऊपर इसकी रोकथाम के लिए काफ़ी सारे उपाय किए जा रहे हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि उन्हीं के रोकथाम से कोई चीज़ सही हो, आपको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें, और बीमारी को अगर आप घर से बाहर जाते हो तो इसका मतलब ये है कि आप बीमारी को घर के अंदर ले के आ सकते हो। दोस्तों होस्ट के डिजिटल कार्य करने की कोशिश करें, ऑनलाइन कार्य करने की कोशिश करें, ताकि आप कोरोना वायरस से बच सकें और आपको इसका सहयोग मिल सके। दोस्तों इसी को लेकर ही इन्होंने NIOS बोर्ड की तरफ से भी 31 मार्च तक इस टेस्ट को पोस्टपोन किया है। दोस्तों इसके बारे में कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत प्रभाव से आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बहुत जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।